दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर भारत के खिलाफ शनिवार को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली करीबी हार से अब तक उबर नहीं सके हैं। बता दें, भारत ने करीबी मुकाबले में 7 रन से जीत दर्ज कर 11 साल का ICC खिताब का सूखा खत्म किया था। दरअसल भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम अच्छी स्थिति में दिख रही थी, लेकिन आखिरी में टीम हार गई। बता दें, इस हार से मिलर काफी निराश हैं और उन्होंने कहा कि सच को पचा पाना काफी मुश्किल है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 5 ओवर में यानी 30 बॉलों पे केवल 30 रन चाहिए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप की शानदार गेंदबाजी ने मैच के रुख को ही भारत की ओर मोड़ दिया। बता दें, पांड्या ने आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले हेनरी क्लासन को आउट किया, तो वहीं बुमराह ने मार्को येंसन को चलता किया। फिर आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 16 रनों की जरूरत थी, लेकिन पांड्या की पहली गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री के पास मिलर का शानदार कैच लपक कर मैच में भारत का पलड़ा भारी कर दिया। हालांकि बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज मिलर ने उम्मीद जताई कि उनकी टीम इस हार के गम को भुलाकर मजबूती से वापसी करेगी। साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में चोकर्स के ठप्पे को भी काफी हद तक पीछे छोड़ते हुए बिना कोई मैच गंवाए फाइनल में जगह पक्की की थी, लेकिन टीम अंत में जाकर खिताब से एक बार फिर से चूक गई। इस पर मिलर ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा, मैं बहुत ही निराश हूँ, 2 दिन पहले जो हुआ उसे पचा पाना काफी कठिन है। मेरे पास अपनी भावनाओं को बयां करने के लिए शब्द नहीं है। मुझे हालांकि इस टीम पर बेहद गर्व है। फाइनल से पहले दक्षिण अफ्रीका ने अपने अभियान में कई करीबी मैचों में जीत दर्ज की थी, लेकिन टीम खिताबी मुकाबले में जीत के करीब होने के बाद आखिरी 5 ओवर में दबाव में आ गई। मिलर ने कहा, इस टूर्नामेंट में हमारा सफर शानदार रहा, हमने पूरे महीने कई उतार चढ़ाव देखे, हमने पीड़ा सही। मैं हालांकि जानता हूं कि इस टीम में जज्बा है और वो अपना स्तर ऊंचा करती रहेगी। दोस्तों बता दें, साउथ अफ्रीका के बैटर डेविड मिलर का T20 वर्ल्ड कप 2024 में परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा था। ग्रुप स्टेज के दौरान डेविड ने टीम के लिए कई अहम पारियां खेली और अकेले दम पर मैच भी जिताए। और तो और, फाइनल मैच में भी डेविड ने टीम को जिताने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने 17 गेंदों में केवल 21 रन बनाए। उनके अब तक के करियर पर एक नजर डालें तो 35 साल के मिलर ने अब तक कुल 125 T20 इंटरनेशनल मैचों में 109 पारियों में 2437 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 7 अर्धशतक भी शामिल हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 140 का रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले ICC टूर्नामेंट्स में साउथ अफ्रीका की टीम क्या इस बार आने वाले टूर्नामेंट्स में फिर से वो फाइनल तक पहुंच के, और जो अभी तक एक भी खिताब वो ICC टूर्नामेंट्स में नहीं जीते, वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो वो उसको तोड़ पाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।